बलिया में जिला महिला चिकित्सालय स्थित SNCU के ठप होने से अस्पताल में शिशुओं को जन्म देने वाली प्रसूताओं और उनके सहयोगियों में विराट संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में CMS डॉक्टर सुमित सिन्हा ने बताया कि हमारे अस्पताल की SNCU के संचालन में शिशु रोग के चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिसके लिए 14 दिसंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित ND आजमगढ़ शासन और प्रांतीय SNCU से लगातार लिखित और फोन से संपर्क किया गया। CMO डॉक्टर संजयंत कुमार ने आदेश जारी कर वरिष्ठ शिशु चिकित्सक CC सोनवानी और डॉक्टर रजत चौरसिया की तैनाती कर दिया है। CMS के अनुसार किसी नव तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ ने अब तक विधिवत यहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। लगता है कि उक्त चिकित्सकों पर CMO के आदेश का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद इमामुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल की SNCU में प्रतिदिन 35 से 40 संक्रमित बच्चे उपचार के लिए भर्ती होते हैं, जिनकी 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है। जब तक हमसे बन पड़ा, हमें मरीज बच्चों की सेवा करता रहा। इसके बाद भी OPD IPD के बावजूद अपराहन तक मरीज देखा जाता रहा। अकेले लगातार दिन रात ड्यूटी करने के कारण इधर काफ़ी बीमार पड़ गया। हमारी दिक्कत को देखते हुए महिला अस्पताल के लिए 2 शिशु चिकित्सकों की CMO से लिखित रूप में मांग किया है। जब तक शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती अस्पताल में नहीं किया जाता, तब तक SNCU यूनिट का विधिवत संचालन कर पाना संभव नहीं है। इस संबंध में सुखपुरा निवासी पीड़ित प्रसूता पिंकी पत्नी श्यामजी साहनी ने बताया कि 15 दिसंबर को एक बालिका का उसने अस्पताल में जन्म दिया, जिसे देखकर शिशु रोग चिकित्सक ने उसे एक NCU में भर्ती कराने की सलाह दी। और जब हम SNCU में पहुंचते तो वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि यहां सेवा ठप है। बाध्य होकर निजी नर्सिंग होम स्थित SNCU नर्सरी से जब तक शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती अस्पताल में नहीं किया जाता, तब तक SNCU यूनिट का विधिवत संचालन कर पाना संभव नहीं है। इस संबंध में सुखपुरा निवासी पीड़ित प्रसूता पिंकी पत्नी श्यामजी साहनी ने बताया कि 15 दिसंबर को एक बालिका का उसने अस्पताल में जन्म दिया, जिसे देखकर शिशु रोग चिकित्सक ने उसे SNCU में भर्ती कराने की सलाह दी। और जब हम SNCU में पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि यहां सेवा ठप है। बाध्य होकर निजी नर्सिंग होम स्थित SNCU नर्सरी में बच्चे को भर्ती कराया, जहां आज तक 1000 रुपये नकद देने पड़े। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।